हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दिल्ली के लजीज खाने में हम आपका बहुत बहुत ज़्यादा वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मिल्क पाउडर बर्फ़ी की रेसिपी, और ये हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट बर्फ़ी बनाएंगे सिर्फ 10 मिनट में। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। ये देखें दोस्तों, ये हमने 1.5 कप मिल्क पाउडर लिया है। ये मैंने एवरीडे का मिल्क पाउडर लिया है, और इसके अंदर 1/3 कप पाउडर शुगर डालेंगे। और ये देखें, ये मैंने प्योर घी लिया है, देसी घी, तो 3 चम्मच इसके अंदर देसी घी जाएगा। और 1/2 कप हमने ये बॉयल मिल्क लिया है नॉर्मल टेम्परेचर का। तो सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे और इसके अंदर हम ये मिल्क पाउडर डाल देंगे। तो आपको थोड़ा मीठे का ध्यान रखना है, क्योंकि मिल्क पाउडर भी मीठा होता है। तो शुगर आपने उसी हिसाब से डालनी है, अगर आप चाहें तो थोड़ी कम भी कर सकते हैं। और ये देखें, ये हम दूध भी डाल देंगे इसके अंदर, और तीनों को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पाउडर शुगर को और मिल्क पाउडर को दूध डाल के अच्छे से मिक्स करना है इसे हमें, जिससे होगा क्या कि जब हम बर्फ़ी बनाएंगे तो इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ेंगे। तो इस तरह जब आप बनाएंगे तो आपकी बर्फ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी, बहुत ही अच्छा उसका टेस्ट आएगा, सॉफ्ट बनेगी। ये देखें, ये हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम कोई भी कढ़ाई या पैन ले लेंगे और उसे बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे। तो लो हीट के ऊपर आपने इसे बनाना है, हीट को आपने हाई या मीडियम नहीं करना, लो रखना है। और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे, लगातार आपने इसे चलाता रहना है, जिससे इसके अंदर लम्स बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। और ये हम इसके अंदर प्योर घी डालेंगे। ये मैंने 3 टेबलस्पून इसके अंदर प्योर घी डाला है, देसी घी डाला है, जिससे हमारी बर्फ़ी सॉफ्ट बनेगी, टेस्टी बनेगी। और ये फेस्टिवल स्पेशल में हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा झटपट रेसिपी लेकर आए हैं। सिर्फ 10 मिनट में आप ये बर्फ़ी रेडी कर सकते हैं। और ये देखें, ये हम इसे लगातार चलाते रहेंगे लो हीट के ऊपर। जब ये अच्छे से थोड़ा पकने लगेगा तो ये थिक होने लगेगा। ये देखें, इस तरह हमें लगातार इसे चलाते रहना है। ये देख सकते हैं आप कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होने लगी है, बस हमें इसे लो हीट के ऊपर चलाना है तो ये थिक होने लगेगा और हमारी बर्फ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। अगर आपको मावा खोया बर्फ़ी की रेसिपी देखनी है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाके आप मावा खोया बर्फ़ी की रेसिपी देख सकते हैं, हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है वीडियो। तो ये देखें, ये हम लगातार चलाते रहेंगे तो ये थिक होता रहेगा। ये देखें दोस्तों, बर्फ़ी का जो मिक्सचर है काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी स्मूथ है, जिससे हमारी बर्फ़ी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। इसके अंदर एक भी लम्स नहीं है, ये आप देख सकते हैं। बस हमने इसे थोड़ा और पकाना है। ये देखिए ये थिक हो गया है और ये अच्छे से भून भी गया है लो फ्लेम के ऊपर, अच्छे से पक गए हैं। और अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। आप कोई भी ट्रे ले लें, कोई भी थाली या कुछ भी ले सकते हैं जिसमें आप बर्फ़ी जमाएं। तो ये मैंने देखें, ये केक्टिन लिया है और इसके ऊपर मैं ग्रीस करके बटर पेपर लगाऊंगी। बटर पेपर को भी थोड़ा हल्का हल्का प्योर घी से हम ग्रीस कर लेंगे, हल्का सा लगा देंगे, जिससे हमारी बर्फ़ी अच्छे से निकल जाएगी। और अब हम ये बर्फ़ी का मिक्सचर इसके अंदर डाल देंगे। ये देखें, इसके अंदर डाल दें और बिल्कुल हल्के हाथ से इसे हम अच्छे से सेट करेंगे। इस तरह हम हल्के हाथ से इसे प्रेस करेंगे और ये अच्छे से सेट हो जाएगी। तो हल्के हाथ से आपने इसे प्रेस करना है, बिल्कुल एक लेवल में करना है। ये देखें, ये बिल्कुल प्लेन हो गई है। और अब हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। मैं इसके अंदर सिर्फ पिस्ते डालूंगी, आप चाहें तो अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। ये देखें, ये मैं इसके ऊपर पिस्ता डाल देती हूँ, जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा और भी ये ज़्यादा टेस्टी लगेगी। ये ऑप्शन है, अगर आप प्लेन बर्फ़ी बनाना चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, कोई ड्राई फ्रूट ना डालें अगर आपने प्लेन बर्फ़ी बनानी है। तो ये पिस्ते डाल के मैं इसे हल्के हल्के प्रेस कर देती हूँ, जिससे ये इसके ऊपर अच्छे से सेट हो जाएगी। और इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए, 15 से 20 मिनट हो गए हैं और अब हम इसे पलट लेते हैं, इसे हम निकाल लेंगे और इसके ऊपर जो बटर पेपर है वो हम हटा लेते हैं। तो आपने इसको फ्रिज के अंदर नहीं रखना, सिर्फ बाहर इसे पिस्ते डाल के आप छोड़ दें नॉर्मल टेम्परेचर में, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाएगी।
तो हमारी बर्फ़ी अच्छे से सेट हुई है, आप देख सकते हैं। अब हम इसके पीसेस करेंगे। आप अपनी पसंद से छोटे या बड़े पीसेस कर सकते हैं, जिस तरह आपको पसंद है। ये देखें, ये हम इस तरह इसके पीसेस करेंगे और हमारी बर्फ़ी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बनी है। ये देखिए, इस तरह हम इसके पीसेस करेंगे। थोड़े छोटे और कर लेते हैं इसके पीसेस, बीच में से एक कट और लगा देते हैं। ये देखिए, तो इस फेस्टिवल में दिवाली पर आप हमारी रेसिपी के साथ जाके ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए एक पीस मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि बर्फ़ी काफ़ी सॉफ्ट है। ये देखिए कितनी अच्छी सॉफ्ट बर्फ़ी बनी है और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है। आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस रेसिपी को, और दिवाली के ऊपर हमारी ये रेसिपी के साथ जाके बर्फ़ी ज़रूर बना के देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है, सॉफ्ट बनी है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।